नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि YouTube के काफ़ी सारे नए नए अपडेट्स इस समय लॉन्च किए जा रहे हैं और काफ़ी सारे अपडेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर हमारे अपडेट्स निकलते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज भी हमारे सामने एक नया ही अपडेट्स निकल गया है मोनेटाइजेशन को लेकर, कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना चाहते हो तो आपको अब एक महीने के अंदर अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर आपको कंप्लीट करने होंगे। यानी कि विद इन 30 डेज के अंदर आपको चैनल के ऊपर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा, आपके चैनल का मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या ये नए अपडेट्स निकल गए हैं और किस प्रकार से इससे हमें बेनिफिट्स और हमें नुकसान होने वाले हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि YouTube चैनल का जो क्राइटेरिया हमारा वर्तमान समय में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट करना हमारा बिल्कुल अनिवार्य है। यानी कि जब हम YouTube चैनल का ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तब हम हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब हमारा चैनल मोनेटाइजेशन अप्रूव हो जाता है उसके बाद में हमारे वीडियोस के ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट हमारे वीडियोस के ऊपर हमारे दिखाए जाते हैं उसी से हमें यूट्यूब से कुछ ना कुछ पैसे की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर हैं, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास यूट्यूब की तरफ से कुछ मेल सेंड किए जा रहे हैं। यानी कि हो सकता है अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको भी ये मेल मिल सकता है, और इस मेल को देखने के बाद में आपका पूरा का पूरा दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि YouTube की तरफ से कुछ मेल सेंड किए जा रहे हैं काफ़ी सारे क्रिएटर को जिनका YouTube चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, कि आपको अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर विद इन 30 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपके चैनल का मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो कि यूट्यूब चैनल जब बनाते हैं तो वो अपना एडसेंस अकाउंट भी बनाते हैं, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को भी वो अप्लाई कर देते हैं, और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए हमें पता ही होता है कि हमारे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट करना होता है। तो यानी कि आप स्टार्टिंग में इसको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो, या फिर जब आपके चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तब भी आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम क्रिएटर क्या करते हैं, मैक्सिमम नए यूट्यूबर क्या करते हैं, अपना चैनल बनाते समय ही अपना YT यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को भी अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर तो होते नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी वो उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यूट्यूब उन लोगों को मेल्स भेज रहा है जो कि ऑलरेडी पहले गिवन में इसको अप्लाई कर चुके हैं, और उनको बिल्कुल वार्निंग दे रहा है कि अगर आपके चैनल के ऊपर विद इन 30 डेज के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम डिसेबल कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट हो जाए तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी पहले गिवन में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया था उनके पास ही ये मेल सेंड की जा रही है यूट्यूब की तरफ से, कि आपको 30 डेज के अंदर अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर करने जरूरी है, अदरवाइज आपके चैनल का यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट हो जाए तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद में आपका चैनल को आप मोनेटाइज करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ नया अपडेट्स निकल गया था जिसके कुछ मेल्स काफ़ी सारे क्रिएटर के पास सेंड की जा रही थी, उन्होंने ये मान लीजिए स्क्रीनशॉट भी इसका भेजा था, काफ़ी सारे लोगों को मेल मिले हैं। तो आपको किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, और जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन आपको अनेबल कराना हो तो आप ये देख लीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ या नहीं। यानी कि पहले हम जब
नया YouTube चैनल बनाते थे तब हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब YouTube ने इसको बंद कर दिया है। अगर आप नया YouTube चैनल बनाते हो तो अब आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम को पहले ही अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपका चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी अपडेट्स निकल गई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। इस अपडेट्स के बाद में आपका सारा का सारा डाउट दूर हो गया होगा और आपको पता लग गया होगा ये किस प्रकार का अपडेट्स निकल गया है। इससे किसी प्रकार की कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।